स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड. वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन, डाइजेशन या ऑल द अबव. इनमें से इसका आंसर आएगा बी कंडेंसेशन. वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, और वाटर वेपर का वापस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर. इनमें से किस एक्टिविटी में आप सबसे कम पानी का यूज करोगे, वाथिंग में, ब्रशिंग टीथ में, वॉशिंग क्लॉथ्स में, ऑल द अबव. इनमें से इसका आंसर आएगा ब्रशिंग टीथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन ओशियंस आर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैश इन वाटर. ओशियन या समुद्र के पानी में क्या प्रेजेंट होता है जिस वजह से ओशियन का पानी पीने के लिए अनफिट होता है, फिश, सॉल्ट, पॉलीथीन या नन ऑफ ऑल. इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्ट. ओशन के पानी में सॉल्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सलीन वाटर, ठीक है, तो इसलिए ये पीने के लिए क्या होता है, अनफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप्स अपीयर्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज ड्यू टू. कोल्ड वाटर ग्लास के आउटसाइड जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन या ऑल द अबव. इसका आंसर क्या आएगा, कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज. इनमें से रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बारिश के पानी को सेव करना या बारिश के पानी को संग्रहण करने का सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है. कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, स्टॉप वाटर गोइंग इन टू रिवर्स एंड लेक, मेकिंग डैम्स ऑन रिवर्स या स्टॉप वाटर गोइंग इन टू ओशियंस. तो इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. जहां भी आपको लगे कि पानी वेस्ट हो रहा है उसी जगह पे पानी को सेव करना, ये सबसे बेस्ट आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स आर फेड बाय. कुएं को पानी इनमें से किसके थ्रू मिलता है, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर से, रेन वाटर से या ग्राउंड वाटर से. वेल्स आर फेड बाय रेन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग अपीयरिंग ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग इज ड्यू टू. सर्दियों में सुबह के टाइम जो धुंध होती है वो इनमें से किस वजह से होती है, ट्रांसपीरेशन, स्मोक, कोल्ड नाइट्स या कंडेंसेशन. क्या आंसर आएगा इसका, कंडेंसेशन. सर्दियों में ठंड होती है एकदम से, कोल्ड विंटर्स होती है, वेपर्स एकदम से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, धुंध की फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स रिसीव वाटर फ्रॉम सॉइल, एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर, प्रिपेयर फूड फ्रॉम वाटर या रिलीज वाटर वेपर्स. ट्रांसपीरेशन में प्लांट्स वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. ये आप देख सकते हो सुबह सुबह जब आप पौधों पे, पत्तियों पे इस तरह से छोटी छोटी जो आपने पानी की बूंदें देखी है किस वजह से होती है, ट्रांसपीरेशन की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम राइजिंग फ्रॉम बेड क्लॉथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड इज ड्यू टू. वेट क्लॉथ्स को, गीले कपड़ों को जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से स्टीम राइज होती है, क्यों होती है, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या रेस्पिरेशन की वजह से. तो इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, इवेपोरेशन. क्योंकि वेट क्लॉथ्स में वाटर होता है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में. तो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय. क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है डस्ट पार्टिकल से, एयर पॉल्यूशन से, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से या डिफरेंट गैसेस से. क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से, तभी टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है बारिश की फॉर्म में गिरती है जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग या ऑल द अबव. इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू. इनमें से कौन सा ट्रू है, वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन ईयर ओनली ड्यूरिंग मॉनसून. सिर्फ मॉनसून के टाइम ईयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, गलत है ये. द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इन टू वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ये भी गलत है. वाटर का वेपर में होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट. ये भी गलत है. इवेपोरेशन किसी भी टाइम हो सकता है, जरूरी नहीं सनलाइट में हो, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ वाटर. इनमें से किस एक्टिविटी में हम वाटर का यूज नहीं करते, वॉशिंग क्लॉथ्स में, बाथिंग में, क्लीनिंग यूटेंसिल में या ड्राइंग वेट क्लॉथ्स में. आंसर रहेगा इनमें से इसका डी, ड्राइंग वेट क्लॉथ्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशियंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर फॉर आर यूज. हमारे यूज के लिए वाटर सप्लाई करने में ओशियंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. द वाटर फ्रॉम ओशियंस रीचेस टू अस विद द हेल्प ऑफ. हमें ओशियन का पानी इनमें से किसके थ्रू मिलता है, नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल, लेक्स, वाटर पम्प्स या रिवर्स. इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड वाटर साइकिल. इस वाटर साइकिल को आपने अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली, ठीक है. रेस वाटर पे पड़ती है, ठीक है, और समुद्र का पानी वेपर्स के रूप में कन्वर्ट होता है. तो इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन की हेल्प से वाटर किस में कन्वर्ट होगा, क्लाउड्स में. अब क्लाउड्स में होगी कंडेंसेशन की हेल्प से. जो टाइनी ड्रॉपलेट्स मौजूद होती है क्लाउड्स में वो बारिश के रूप में गिरनी शुरू हो जाएगी, और जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स गिरती है बारिश की फॉर्म में तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. तो इस तरह से वाटर से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और क्लाउड से फिर से वाटर की फॉर्मेशन होगी. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे वाटर साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कम्स बैक टू सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड.
ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या रेडिएशन? इसका आंसर आएगा सी, कंडेंसेशन। क्लाउड्स में क्या होगी? कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड्स कॉजेस एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल या ऑल द अबव? जब बाढ़ आती है तो इन सभी का नुकसान होता है, तो क्या आंसर रहेगा? ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ड्यू की फॉर्मेशन में से किसके थ्रू होगी? कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन या ऑल द अबव? ड्यू की फॉर्मेशन होती है कंडेंसेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटर इन आर टैप कम्स फ्रॉम रिवर, लेक, वेल या ऑल द अबव? इसका आंसर रहेगा डी, ऑल द अबव। समुद्र से डायरेक्ट पानी की सप्लाई घरों तक नहीं हो सकती, क्योंकि समुद्र का पानी होता है सलीन या सोल्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम स्काई इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या ऑल द अबव? क्या आंसर रहेगा इसका? प्रेसिपिटेशन। जब छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट के रूप में बारिश शुरू हो जाती है क्लाउड से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने सॉल्व करना है लास्ट क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल बी स्लोएस्ट, इनमें से इवेपोरेशन किस एक्टिविटी में सबसे कम होगा? एच ऑफ वाटर कैप्ट इन सनलाइट, केटल ऑफ वाटर कैप्ट ऑन बर्नर, ग्लास ऑफ वाटर कैप्ट इन ए रूम या बकेट ऑफ वाटर कैप्ट ऑन रूफ टॉप? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए। कंसेप्ट क्लियरिटी मस्ट है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को कंप्लीट देखना है, ध्यान से सुनना है। होपफुली ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।